सौर विकिरण। आप सभी सौर विकिरण या इंसुलेशन के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आप सभी शायद ये नहीं जानते होंगे कि सौर विकिरण से नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। जी हाँ, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हमारे वायुमंडल में चालन के द्वारा ऊष्मा का संवहन होता है या फिर अभिवहन के द्वारा। तो चलिए आज की इस क्लास में इन्हीं सबको समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अनअकैडमी पे मेरे अपकमिंग ज्योग्राफी कोर्सेज की लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो जो अपकमिंग कोर्स आ रहे हैं आप इनमें जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप अनअकैडमी प्लस में नहीं जुड़े हैं तो या तो आप मेरी फ्री क्लास में भी जुड़ जाइए जो कि डेली 3:30 बजे होती है दोपहर में। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको मेरे जैसे सारे भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे तो आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए जो आपको कोड का इस्तेमाल करना है वो है अपूर्वा23। शायद आपको कोड यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाए शायद। इट्स APOORVA23। चलिए तो अब बिना वक्त जाया करें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सूर्यताप या फिर इंसुलेशन, ये कहते किसे हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। और जहां तक बात सूर्य के प्रकाश इसकी ऊर्जा की है तो ये बेहद अधिक है। हमारी पृथ्वी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का केवल कुछ भाग ग्रहण करती है जिसे हम सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर सूर्यताप कहा जाता है, इंसुलेशन कहा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि हमारी पृथ्वी के पृष्ठ पे सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होती है। अब आप पूछेंगे कि मैडम ये तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ। देखो भाई, जैसे ये एक तरंग है और इसी के नीचे ये एक तरंग है, तो ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं तरंग के उभार और गर्त। तो दो उभारों के मध्य की दूरी या दो गर्तों के बीच की जो दूरी है इसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ये देखिए, ये दो उभारों के बीच की ये जो दूरी है ये क्या है? ये तरंग दैर्ध्य या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी, दिस इज वेव लेंथ। तो अब ये जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो बहुत ही ज्यादा लघु तरंग दैर्ध्य की होती है। इसके अलावा आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, प्लैंक का नियम भी है कि जो पिंड जितना ज्यादा गर्म होता है उससे निकलने वाली तरंग उतनी ही ज्यादा लघु होती है। चलिए तो अब हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करती है और इसे भी सूर्य का जो सौर विकिरण है वो प्राप्त होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की कक्षा जो है वो पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। हालांकि मिलियनकोविक साइकिल में मैंने आपको बताया भी है कि हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसे बदलती रहती है, लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमारी ये जो पृथ्वी की कक्षा है वो मिलियनकोविक साइकिल के अंतर्गत जो बदलती है उसमें तो लाख साल लग जाता है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी की कक्षा है वो 365 दिन के एक साल में ही दो बार ऐसे अलग अलग पोजिशन में होती है कि एक बार तो ये सूर्य के बेहद नजदीक होती है और एक बार सूर्य से बेहद दूर। तो 3 जनवरी का वो समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उस समय को, उस दिन को कहा जाता है उपसौर। 3 जनवरी का दिन, इसे पेरिहिलियन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान जब हमारी पृथ्वी साल में एक बार सूर्य से सबसे दूर होती है उसे कहते हैं अपसौर, एपिहिलियन। ये होता है 4 जुलाई के दिन। अब आप पूछेंगे कि मैडम जनवरी में पृथ्वी सबसे पास है सूर्य के, पर उस समय तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और जुलाई में तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से दूर होती है, तो इस समय तो काफी लाइक ठंड होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जनवरी में गर्मी और जुलाई में ठंड क्यों नहीं होती? तो दोस्तों उपसौर और अपसौर का प्रभाव मौसम पर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जो मौसम है वो केवल सूर्य की दूरी के कारण तय नहीं होता, बल्कि मौसम अलग अलग चीजों की वजह से चेंज होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वो होता है हमारी पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें तो आपने जान ली,
आपको पता है किसी भी चीज के गर्म होने के तरीके अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक प्लास्टिक की अगर रॉड को गर्म कर रहे हो तो वो जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, जहां से आग निकल रही है और वो गर्म हो रही है, तो वो पिघल करके टूट जाएगी। लेकिन अब अगर आप एक लोहे की रॉड को गर्म करेंगे ना, तो वो उतनी जल्दी पिघल के टूटेगी नहीं, बल्कि आपने अगर उसी रॉड को ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो पहले आपका हाथ जल जाएगा। तो प्लास्टिक को पकड़ने से क्या हो रहा था, आपके हाथ तक वो गर्म नहीं हो रही थी बल्कि पिघल के टूट रही थी, और लोहे की छड़ आपके हाथ तक गर्म हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पदार्थ के गर्म होने में अंतर होता है। कुछ पदार्थों में जो ऊष्मा का संचरण है वो चालन के द्वारा होता है और कुछ में नहीं। और इसीलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल का तापन और शीतलन किस प्रकार से होता है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि हमारी जो पार्थिव विकिरण है उसके द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन पार्थिव विकिरण के द्वारा भी ताप का संचरण किस प्रकार से होता है ये जानिए। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके ऊपर जो वायुमंडल है, यहां पर जो ताप का संचरण होता है ये कैसे होता है, यहां पर जो ताप का संचरण होता है ना दोस्तों, वो होता है चालन के द्वारा। चालन की बात करूं तो चालन क्या है, तो दोस्तों चालन का मतलब होता है आपके लिए कंडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो पिंड हैं, दो आपके लिए अणु हैं हवा के, एक जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस का है, दूसरा 40 डिग्री सेल्सियस का है, तो जैसे ये दोनों संपर्क में आते हैं ना, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होने लगता है ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ। ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों 50-50 डिग्री सेल्सियस के नहीं हो जाते, या फिर किसी वजह से इनका संपर्क नहीं टूट जाता। ठीक है, ये देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला अणु गर्म होगा तो ये इससे जो जो जुड़े हुए हैं ना, उनमें अपनी ऊष्मा को संचरित करता है। इसके अलावा दो शब्द और होते हैं, संवहन और अभिवहन। ये शब्द आपको तब काम में आएंगे जब आप मेरे साथ अर्थ का हीट बजट पढ़ेंगे। संवहन और अभिवहन की दोस्तों अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ ना, तो संवहन का मतलब होता है ताप का ऊर्ध्वाधर संचरण, और अभिवहन का मतलब होता है ताप का क्षैतिज संचलन। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप से गर्म होती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे संवहन, कन्वेक्शन। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी ये जो परतें हैं ना वायुमंडल की, ये क्षैतिज रूप से गर्म होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिवहन, एडवेक्शन। आप अपने आसपास जब भी चीजों को उड़ते हुए देखते हैं ना, तो आप अभिवहन का एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे डायरेक्ट नीचे से ऊपर नहीं उड़ती, बल्कि ऐसे क्षैतिज तरीके से उड़ते हुए देखते हैं। तो अभिवहन और संवहन क्या है, संवहन में ये होता है कि जो तापन है उसकी क्रिया लंबवत होती है, और अभिवहन में क्षैतिज। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को सौर विकिरण समझ में आया होगा। अब जस्ट इसके बाद अगली वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें आप लोग क्या देखोगे, जिसमें आप लोग देखोगे पार्थिव विकिरण को, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन को। चलिए, तो जस्ट इसके बाद अगली वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।